जेएससी सीजीएल पेपर लीक मामले पर एक तरफ सियासत जारी है तो दूसरी तरफ सीजीएल अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा कराने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि पेपर लीक मामले की जांच एसआईटी कर रही है, लेकिन अभ्यर्थियों को इंतजार परीक्षा का है। अब जेएससी के अभ्यर्थी आंदोलन का तरीका बदल रहे हैं। जेएससी के अभ्यर्थी अब जेएससी के माध्यम से ली जाने वाली तमाम परीक्षाओं को नकल मुक्त, सीजीएल परीक्षा में हुई पेपर लीक की सीबीआई जांच और समय पर परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर जेएससी के अभ्यर्थी और छात्र नेता एक बार फिर से आर पार के मूड में आ गए हैं। छात्रों ने सरकार और जेएससी के खिलाफ 1 मार्च को अभियान की घोषणा की है। अपनी मांग को लेकर जेएससी अभ्यर्थी के साथ ये तमाम छात्र नेता सोशल मीडिया एक्स पर अभियान चलाने की घोषणा की है। छात्रों का एक्स पर यह अभियान #justicejsscstudents नाम से चलाया जाएगा। सोशल मीडिया एक्स पर 1 मार्च को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक अभ्यर्थियों का यह अभियान चलेगा। अब हम लोग जो चरणबद्ध आंदोलन को जारी रखते हुए, हम लोग आंदोलन का स्वरूप को थोड़ा बदलते हुए अब डिजिटली आंदोलन का ऐलान किए हैं और आगामी 1 मार्च 2024 दिन शुक्रवार को समय 10 बजे से हम लोग डिजिटली महा आंदोलन ट्विटर अभियान, जो अभी एक्स एप्लीकेशन के नाम से जाना जाता है, इस ट्विटर अभियान का हमारा हैशटैग है, जैसे कि हम कैमरा में भी दिखाना चाहेंगे, जो #JSSC_JSC_Students। ध्यान दिया जाए कि सारे स्मॉल लेटर में है और स्टूडेंट का में एस है, स्टूडेंट्स है, तो किसी भी प्रकार का फेरबदल न किया जाए और आगामी 1 मार्च 2024 को सुबह 10 बजे से राज्य के समस्त झारखंड छात्र से हम निवेदन करेंगे कि सुबह से ही ट्वीट रिट्वीट करते रहें। हालांकि इससे पहले पेपर लीक के खिलाफ अभ्यर्थी और छात्र नेता जेएससी कार्यालय का घेराव कर चुके हैं, जिसमें सैकड़ों पर मामले भी दर्ज हैं। अब इन अभ्यर्थियों ने आंदोलन का तरीका बदला है, लेकिन मकसद वही है। सरकार और आयोग जल्द से जल्द सारी परीक्षाओं की डेट निर्धारित करे, जेएससी सीजीएल परीक्षा में हुई पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दे, साथ ही साथ एक साफ सुथरी एजेंसी के माध्यम से परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द कराई जाए। हालांकि बात यहां से भी नहीं सुलझने पर बड़े आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। अभी तक पता नहीं चल पाया, ठोस रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी नहीं दिया गया, तो कहीं ना कहीं ये सरकार का जो भी अधिकारी अभी एसआईटी टीम से जांच अभी किया जा रहा है, तो अब जो है कि स्वतंत्र एजेंसी से कराया जाए। अभ्यर्थी परीक्षा को लेकर अब आर पार के मूड में आ गए हैं, इसीलिए सोशल मीडिया एक्स पर अपने अभियान को सफल बनाने के लिए भी तैयारी कर रखी है। खबर ये भी है कि जेएससी के इस आंदोलन को कई शिक्षक शिक्षण संस्थानों से भी समर्थन मिल रहा है। रिपोर्ट न्यूज बाय स्कोप। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। बच्चों को दिला रही है क्वालिटी एजुकेशन, तो अब धनबाद से बाहर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि धनबाद में ही खुल गया है DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, जहां लड़कियों से नहीं ली जाती एडमिशन फी। साथ ही इस साल एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को जब तक वो स्कूल में पढ़ेंगे तब तक ट्यूशन फी में मिलेगी 20% की छूट। क्वालिटी फैकल्टी, स्टेम लैब, बिग प्ले ग्राउंड, बस फैसिलिटी, यानी कंप्लीट स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरमेंट। DY पाटिल इंटरनेशनल स्कूल, कैलाशपुरम, नियर मेमको मोड, धनबाद। एडमिशन ओपन।